सर्दियों का मौसम हो और अगर गर्मा गर्म चटपटी भुट्टे की किस मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावना और चटकारे व्यंजन में आपका स्वागत है। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ इंदौर की फेमस भुट्टे की किस। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मौसम में भुट्टे बहुत ही ताज़े आते हैं और ये जो किस है वो बहुत ही अच्छी लगती है और साथ ही ये हेल्दी भी होती है। बच्चे और बड़ों सभी को पसंद आने वाली शानदार, आप इसे नाश्ते में भी दे सकते हैं, बच्चों को कोई मेहमान आ जाते हैं तब भी आप बना के खिला सकते हैं और टी टाइम स्नैक में भी ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 ताज़े भुट्टे ले लिए हैं। आपके पास अगर देसी भुट्टे नहीं तो आप अमेरिकन भुट्टे भी ले सकते हैं। और अब इन भुट्टों को मैंने छिलका निकाल कर और धोने के बाद इसे हम एक छलनी की सहायता से कीस लेंगे हम। आपके पास जो भी ग्रेटर अवेलेबल है उससे आप इसे ग्रेट कर लीजिए। हमें इसे पूरी तरीके से ग्रेट करना है ताकि जितने भी इसके जो दाने हैं वो अच्छे से इसमें किस जाए। सॉरी फ्रेंड्स, आज थोड़ी मेरी वॉइस ख़राब है क्योंकि थोड़ा जुकाम हो चुका है मुझे, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जो सारे भुट्टे हैं उन्हें बिल्कुल इस तरह से हम एक किसनी की सहायता से इसमें हम कीस कर लेंगे। भुट्टे जो ताज़े होते हैं उनमें इस तरह से दूध आता है, दूध वाले भुट्टे जिन्हें हम बोलते हैं, तो उसकी जो कीस बनाते हैं वो बहुत ही अच्छी लगती है। एमपी के इंदौर की ये फेमस स्ट्रीट फूड में आती है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें तेल डाल दिया है और इसमें मैंने एक एक चम्मच जीरा और सॉरी एक चम्मच राई और सौंफ डाल दी है। जैसे ये तड़कने लगेगी इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे और इसके बाद बारीक कटे हुए प्याज और 1 से 2 हरी मिर्च डाल देंगे इसमें और इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मध्य प्रदेश में इस मौसम में ज़्यादातर घरों में ये वीकली वंस और ट्वाइस तो भुट्टे की किस ज़रूर ही बनती है क्योंकि ये बहुत फेमस है, साथ ही बहुत ही टेस्टी भी लगती है ये और हेल्दी तो ये है ही। और जैसे ही ये हमारे जो प्याज है हल्के ब्राउन हुए, मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच इसमें मैं लहसुन कुटी हुई डाल दूंगी। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर इसमें हल्की सी कुटी हुई जो लहसुन डालते हैं उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर सुनहरी होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये प्याज हल्के सुनहरी होंगे मैंने इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च मसाला डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और नमक अब आपके स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर बढ़ा भी सकते हैं और अगर कम पसंद है तो आप 1 ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालिए और इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब इसके बाद जो हमने भुट्टे को ग्रेटर की सहायता से इस तरह से कीस लिया था उसे पूरा इसमें हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं जो दूध वाले भुट्टे जो ताज़े भुट्टे आते हैं वो इस तरह से उसका पेस्ट निकलता है। और अब इसको हम अच्छे से इन मसालों में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें इसमें अच्छे से पकाना है। जितनी देर तक इसे पकाएंगे हम उतने ही भुट्टे की किस अच्छी लगेगी, नहीं तो ये कच्चा लगेगा। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसे ढककर मिनिमम हाफ एन आवर तक पकाना है। आप इसे बीच बीच में चलाते भी रहिएगा, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक भी जाता है। तो इसे मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है और बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी। फ्लेम हमें हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे हमें पकाना है। आप देख सकते हैं इसका लिक्विडी फॉर्म रहता है
तो इसे हमें हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे ढक दिया है और आधे घंटे तक इसे हम ढककर पकाएंगे। और यहाँ पर मैं इसे बीच बीच में चेक कर लूँगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें हल्का सा गाढ़ापन भी आ चुका है। तो यहाँ पर जो किस है वो अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसे मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि इसमें गाढ़ापन भी आ चुका है। और ये जो क्वांटिटी है वो परफेक्ट है, इस तरह की ही क्वांटिटी हमें चाहिए, इतनी ही गाढ़ी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी वो भी उतनी अच्छी नहीं लगती है। और आप इसे अगर गर्मा गर्म खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आता है। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस और धनिया पत्ते डाल दिए हैं। नींबू के रस से इसमें चटपटापन आ जाता है। जैसे मैंने कहा, अगर ताज़े भुट्टे हैं तो उनमें मिठास रहती है, तो थोड़ा सा नींबू डाल देने से ये एकदम खट्टी मीठी और चटपटी सी टेस्ट देती है। तो हमारे भुट्टे की किस बनकर बिल्कुल तैयार है, विंटर स्पेशल भुट्टे की किस। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ढेर सारे चटकारे व्यंजनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। आप इसे ड्राई कोकोनट से गार्निश कर सकते हैं, आप चाहिए तो सेव से भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो हमारे भुट्टे की किस बनके तैयार है। इन्जॉय।